के बड़े मियां, अगर चैन से डोनट खाना है तो जैसा अपुन बोले वैसा कर, क्योंकि नहीं करेगा तो वाह यार तेरे में तो सुपर पावर है। हाँ ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास, काम पे लग जाओ। मामू। हेलो, अंदर कोई है? अब क्या करेंगे? सोच रहा हूं। हे, मैं तुम्हें देख सकता हूं। जल्दी सोच बे, क्या कर रहे हम लोग? शॉप में स्वागत है सर, क्या मदद कर सकता हूं? तुम दो लोग थे ना? हेलो सुपर हीरो, सुपर पेयर शॉप में आपका स्वागत। मार्केटिंग। और जैसा सोच रहे हो, यहां कोई डकैती नहीं हो रही। मैंने ये नहीं सोचा। लेकिन अगर तुम चोर हो तो तुम मुसीबत में हो। नहीं, मुझे गुंडागर्दी पसंद नहीं है। जी सर। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना करे, समझे? hey, कैप्टन अमेरिका का डायलॉग है। फर्स्ट एवेंजर। खैर छोड़िए सर, आप ऐसे अच्छे दिन यहाँ क्या कर रहे हैं? शहर को मदद चाहिए दोस्तों, मेरा रेडियो खराब हो गया है, इसमें बस खर खर आवाज आती रहती है। बदकिस्मती से सर दुकान बंद हो गई है। आप कल क्यों नहीं आते सर? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये वॉकी टॉकी मेरे दोनों कान है, मेरी सुपर पावर जो अब मेरे पास नहीं है। ये शहर खतरे में है। बहुत बुरी बात है सर, लेकिन दुकान बंद हो गई है। अभी सिर्फ 2 बजे हैं। अच्छा दिखाओ, मेरे को दिखाओ एक बार। शायद 10 मिनट का काम होगा ये। हे, क्या तुम भूल गए? हमारे हमारे पास ये बैग्स हैं जिन्हें हमें डिलीवर करना है। अरे हाँ, लेकिन शहर को अपनी जरूरत है और हम इस बंदे को उसकी सुपर पावर लौटा सकते हैं। अरे बस 5 मिनट का काम है, अंदर आ जाओ। अगर ये 5 मिनट का काम ये है तो ना। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश। लगता है हमारा रिपेयर करने वाला बंदा सारे टूल घर ले गया है, आज तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्क्रू ड्राइवर भी नहीं छोड़ा क्या? नहीं। उस मल्टी टूल का क्या? वो भी नहीं है। शायद मुझे यहां कुछ मिला है। ओ, तुम्हें मिल गया है ना? ओ डैम। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप बैठो, चुप बैठ वरना मार डालूंगा। आराम से खास ना। वैसे लगता है मेरे पास सुपर पावर है। ठीक है बड़े मियां, तुम्हें छिपाते हैं। हे भगवान, साले अंदर कितने डोनट ठुस है। अंदर सब ठीक है ना? एकदम झकास है। फिर उसे जिम लगाना पड़ता है। तुम्हारा मास्क कहाँ है? अगर तुम सूट के बिना बेकार हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो वो बंदा लॉटरी टिकट चुरा रहा था फिर? मैंने कहा तुम्हें इसके लिए जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। ये बड़ा कूल था। अरे यार तुम बहुत कूल हो। जानते हो, सुपर हीरो बनने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह पुलिस वाला बनना चाहता था। मैंने पुलिस एकेडमी में अर्जी भी की थी। अर्जी दी थी? तुमने दी थी? हाँ, 2 बार। दो बार? लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं। तुम्हें फिर कोशिश करना चाहिए बेटा, हमें तुम्हारे जैसे जुनूनी लोगों की जरूरत है। सच में? बिल्कुल।
शुक्रिया डोनाल्ड। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हेनरी, हेनरी मैकगिल। तुमसे मिलकर अच्छा लगा हेनरी मैकगिल। जानते हो आज आज असल में मेरा पहला दिन है, और जब क्लाइव ने मुझे पूछा इस काम के लिए तो पता है मैं बहुत डर गया था, पर अब लगता है कि मैं ये अच्छे से कर लूंगा। क्लाइव, तुम्हारी नजर एक जोहरी की तरह है क्लाइव। डोनाल्ड, एंटमैन, तुम्हें देखकर सुकून मिला। ऑफिसर ब्राउन का वॉकी टॉकी खराब हुआ था और मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। सुनो, मैं वहाँ पीछे कुछ टूल्स ढूंढ रहा था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुम जानते हो, वो मालूम है तुम उन्हें घर ले गए थे, लेकिन जो कुछ बचे हैं उन्हें मुझे निकाल कर दो। ये मेरा टूल वाला है। हम बस अभी आते हैं। हे, तुम तो चोर हो ना? क्या? कौन? फिल्म में एंटमैन एक चोर था ना? मैंने वो फिल्म नहीं देखी। हम अभी आते हैं। ये ठीक है। हो गया। अच्छा तो फिर सुनो, हम फंस चुके हैं, हम बहुत बुरे फंस चुके हैं कि अब निकलना नामुमकिन है। यहाँ हो क्या रहा है? पुलिस वाला हमारा नाम जानता है, वो हेनरी को नहीं छोड़ रहा है, और जले पे नमक ये है कि हेनरी उससे दोस्ती कर रहा है। क्या? तो अब हम क्या करें? पुलिस वाले को मारना होगा। नहीं 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 नहीं, तुम पुलिस वाले को नहीं मार सकते। बिल्कुल सही, तुम पुलिस वाले को मारने वाले हो। क्या? बचाओ! अरे नहीं, हे भगवान! काम बस हो ही गया। सब ठीक है माइकल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। टूल्स खो गए हैं तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ तो बोलो। अरे पता नहीं कहाँ गई। अरे हाँ, मिल गई। इलाज करता। चिंता मत करो, ये तो रोज का काम है, एवेंजर्स का काम, समझे ना? माइकल, इसकी चिंता मत करो। डोनाल्ड, हाँ, इसकी चिंता मत करो। जानता हूँ गलती कर रहे हो। डोनाल्ड, ये ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हेनरी, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। प्लीज अंदर मत जाओ। हेनरी, हट जाओ। मैं बस तुम्हें सीख देना चाहता था। हाँ, मैंने सीख ले ली। हाँ, मुझे सबक मिल गया। बिल्कुल, चुप बैठो, सबक सीखो, चुप रहो, बोलो मत, कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन का परिणाम कर्मों से आता है। हिलना मत। अपनी गन नीचे रख दो। तुम अपनी गन नीचे रखो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसा यहाँ भी नहीं होगा। क्या मैं दिन भर ये खेल खेल सकता हूँ? लेकिन मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम अभी अकेले ही हो। ये अकेला नहीं है। अपनी गन नीचे करो। यहाँ कोई फिल्म नहीं है हेनरी। जानता हूँ, इसीलिए मैं सही चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ क्लाइव। तो सही चीजें कर और अपनी गन नीचे रख दे। अगर कोई अपने रास्ते से भटक जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो गलत है। चुप बैठ। हाँ, मैं क्या हूँ ये मेरी पहचान नहीं, मैं क्या करता हूँ ये मेरी पहचान है। एक और बार डायलॉग मारा ना तूने तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ। डोनाल्ड, क्या इंसान हर जंग नहीं जीत सकता? लेकिन इंसान बिना लड़े हार भी तो नहीं मान सकता। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये कौन है? तुम्हें आगे ही रखना। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। जो भी कहोगे उसे तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोस्तों, पीछे कमरे मुझे ये मास्क मिला है। तुम्हें पक्का यकीन है कि चोर दो ही थे? हाँ, वो दो ही लोग थे। ये मेरा मास्क है।
दरअसल मैं मार्वल का बड़ा फैन हूँ और मैं डीसी का हूँ। ऑफिसर ब्राउन, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वादा करता हूँ। अगर कोई अपने रास्ते से कभी भटक जाता है इसका मतलब वो गलत नहीं होता। हाँ सही कहा सर।